नमस्कार दोस्तों, एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पूरे जोशों वोशों के साथ वीडियोस डाल रहा हूँ, लगातार आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जा रहा हूँ। काफी सवाल पेंडिंग थे आपके, आज उन्हीं में से एक सवाल मैंने चुना है योगेश जी का। योगेश जी पूछते हैं, सर कैसे एक अनजान व्यक्ति से बॉन्ड बिल्ड किया जाए, कैसे एक अनजान व्यक्ति से जान पहचान बनाई जाए। हो सकता है योगेश जी का सवाल उनके पर्सनल किसी कारण से हो, लेकिन सवाल तो बड़े काम का है दोस्तों। हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल कई बार आए हो कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने है, वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते, तो उससे जुड़ाव कैसे किया जाए, उसे कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। हो सकता है हमारे बिजनेस को लेके, हो सकता है हमारी लाइफ को लेके, हो सकता है हमारी पर्सनल ग्रोथ को लेके। चलिए आज देने वाला हूं इस बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे सवाल का जवाब। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देने वाला हूं आपको। ध्यान से समझिएगा क्या है वो पॉइंट्स मेरे साथ। दोस्तों, हम इंसान सदियों से अपने फायदे के लिए, अपने जरूरत के लिए, अपने मतलब के लिए बहुत बार एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक बड़ी अलायंस बिल्ड करते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम दूसरे के साथ जाकर मिलाप कर ले, मेल कर ले, तो शायद हमारा ये काम बन जाए, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। कई बार ये मतलब के लिए होता है, कई बार इसकी जरूरत होती है। आज इसीलिए इस क्वेश्चन का देने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स। ध्यान से समझिएगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप एक अनजान व्यक्ति से एक परफेक्ट बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, किसी भी व्यक्ति से जुड़ने का सबसे अच्छा और सबसे पहला तरीका होता है कि आप उससे रिलीजियस बॉन्ड बिल्ड कर ले। जी हाँ, हम इंसान जाने अनजाने में अपने धर्म को लेके, अपनी जाति को लेके थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है किसी के साथ भी पहली बॉन्ड क्रिएट करने में। अभी कैसे होता है जरा इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहला काम होता है हम उससे दुआ सलाम करते हैं, और उसके बाद जो पहला काम होता है वो होता है हम उससे उसका नाम पूछते हैं। इवन हो सकता है वो आपसे आपका नाम पूछे। तो नाम पूछने के दौरान ही हमारा ये पहला स्टेप और सबसे पहला बॉन्ड क्रिएट होता है, दैट वी कॉल्ड रिलीजियस बॉन्ड। अब रिलीजियस बॉन्ड कैसे आपने बिल्ड कर लिया नाम पूछते साथ? अक्सर व्यक्ति जब अपना नाम बताता है तो वो पूरा नाम बोलता है, मेरा नाम सुकांत मिश्रा है, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। तो हमें यहीं पे उसको कैच करना होगा, यहीं पे उसके साथ कोशिश करनी होगी कि रिलीजियस बॉन्ड बन जाए। मतलब अरे वाह क्या बात है मिश्रा जी, अरे यार मेरा भी एक दोस्त था मिश्रा, अक्सर मैं उसे याद किया करता था, हम दोनों स्कूल में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। चलिए आज भी एक मिश्रा जी मिल गए। मेरे एक गुरु भी है जो अक्सर मुझे बोला करते हैं, यार मैं जहां भी जॉब करता हूं मुझे कोई ना कोई मिश्रा शर्मा मिल ही जाता है। तो मुझे वो सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजें जब आप करते हैं तो आपके फर्स्ट मीटिंग का इंप्रेशन भी और सामने वाले पे आपका इफेक्ट भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है। उसे ये लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति तो मेरे धर्म के बारे में अच्छी चीजें जानता है, तो वो आपसे यहां पे कनेक्ट करता है। दोस्तों, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा, वो है रीजनल बॉन्ड। रीजनल बॉन्ड मतलब समझिएगा, जब भी आप किसी से इंट्रोडक्शन लेते हैं या फिर उससे मुलाकात करते हैं तो नाम के बाद जो दूसरी चीज आती है वो अक्सर ये आती है, कहां से हैं आप, कहां से हैं आप। इस सवाल का जवाब ही बनाता है क्या आपके और उसके बीच में रीजनल बॉन्ड। प्लेस से कनेक्ट करते हैं आप उसके, कैसे, कहां से हैं आप। जब ये सवाल आप किसी से पूछते हैं तो वो जवाब में देता है, मैं पंजाब से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं गुजरात से हूं, एक्स वाई जेड कहीं से भी। और इसी जगह पे आपको क्या बिल्ड करना होगा, अपना दूसरा पॉइंट बिल्ड करना होगा, रीजनल बॉन्ड बिल्ड करना होगा। कैसे, आप उसके सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब देते हुए ये बोल सकते हैं, अरे वाह क्या बात है, आप तो पंजाब से हैं, पंजाब बहुत अच्छी जगह है सर, लिटरली मैं चाहता हूं कि एक बार मैं पंजाब जाऊं। आप तो वहीं से, चलिए अब आप मिल गए हैं, आपके जरिए क्या पता कभी किस्मत में हो तो जरूर विजिट होगी। अरे आप तो बिहार से हैं, बिहार का सर लिट्टी चोखा मतलब बहुत यादगार होता है मेरे लिए, बहुत अच्छी जगह है। अरे आप तो यूपी के हैं, क्या बात है, काशी विश्वनाथ की नगरी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके उसके रीजनल बॉन्ड को क्रिएट करता है। सबसे पहला काम आप उसके धर्म से जुड़ गए, दूसरा आप उससे प्लेस से जुड़ गए, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बारी है उनके पारिवारिक जुड़ाव की। मतलब आप उसके धर्म से, उसके जाति से जुड़ गए, आफ्टर दैट आपको कुछ बेसिक सवाल करने होते हैं, जैसे कि और बताइए सर आप तो बहुत अच्छी जगह से हैं, कौन कौन है आपकी फैमिली में,
जब भी आप किसी से फैमिली की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके फैमिली के सदस्य बनने की कोशिश करते हैं, वहां पे अपना जगह बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश आपको उससे बहुत करीब लेके जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी कम्युनिकेशन एक बार की नहीं होती, कई बार इन बॉन्ड को बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगता है, फैमिलियर बॉन्ड को खास करके। यहाँ पे थोड़े से परिवार के बारे में जानिए, कौन कौन है उसकी फैमिली में, किससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो किसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, कारण क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसे जोड़ के रखती है। अक्सर यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी काम आती है कि जिस व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है उस व्यक्ति के बारे में आप भी अपनी फीलिंग प्रकट कीजिए। बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन चालू होती है, आपके बात व्यवहार चालू होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ वो भी आपसे करते हैं, और ये बॉन्डिंग का सबसे अच्छा प्रोसेस है। लास्ट और अंतिम बॉन्ड की बात करूंगा, जो है मेरा पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड तक पहुंचने के बाद दोस्तों हर व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो चुका होता है, आपका अपना हो चुका होता है। आपने जाने या अनजाने में बहुत सारी ऐसी सलाह उसको दे दी होती है, उसके फैमिली के लिए, उसके रिलीजियस के लिए, उसके प्लेस के लिए, कि वो अब आपकी बातें सुनने लगा है। आप जब भी कभी किसी की बातें सुनना शुरू करते हैं तो सामने वाला सुनाना शुरू करता है, और कहीं ना कहीं उसे आपकी लत लग जाती है। कोशिश कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी लत लगे, आपके राय मशवरों की लत लगे। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी मिले जिसे आपके राय मशवरों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे दीजिए। आप दो बार देंगे, तीसरी बार देंगे, चौथी बार वो खुद आपसे पूछेगा कि क्या करूं मैं, हर बार की तरह कृपया इस बार भी बताएंगे। और जब ये हो जाएगा तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी और आप पर्सनल बॉन्ड के जोन में होंगे, जहां पे आप अपने पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं शेयर करने, क्योंकि आपको अपनी चीजें अपने तक ही सीमित रखनी है, लेकिन कई बार सामने वाले को खोलने के लिए अपनी कुछ बातें बतानी पड़ती है। जरूरी नहीं कि वो सही हो या गलत हो, बतानी पड़ेगी। बाकी तो आप समझदार है मैं बोलना क्या चाहता हूं। अपनी बातों को प्रेजेंट कीजिए सामने वाले के साथ, आफ्टर दैट कोशिश कीजिए कि उससे उसकी बातें निकालिए। जब आप एक दूसरे के राजदार हो जाते हैं, वो ऐसा वक्त होता है कि सामने वाला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। कोशिश कीजिएगा कि इस स्टेज पे आने के लिए ज्यादा समय ना लगे। आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये चार ऐसे तरीके हैं जो कि आपके बॉन्ड क्रिएशन में और किसी को भी अपना बनाने में बहुत कारीगर होते हैं। इसको कुछ लोग सम्मोहन की विधि भी बोलते हैं। तो अगर आप भी इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, आप भी बनाना चाहते हैं किसी को अपना, अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, या मेबी उसकी हेल्प करने के लिए, तो तैयार हो जाइए इन चारों पॉइंट्स को लेके, जो कि देने वाले हैं आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे लेसन्स के लिए, बहुत सारी नॉलेज के लिए, आपके ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए, और हर बार क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बॉन्ड के ऊपर चारों पॉइंट्स को ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, यूज कीजिए। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों का यूज कीजिए। आपके अगले क्वेश्चन का वेट करूंगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद।